जी तो दोस्तों, इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ मज़ार शरीफ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का। और प्लान तो मेरा ये था कि इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और आपको अंदर से भी यहाँ जो मसरूफियात होती हैं और जो कुछ होता है आपको दिखाया जाए। बस कोविड की वजह से ज़ाहिर है इस जगह को बंद किया गया है। और ये इसकी एंट्रेंस है आने की, तकरीबन 2-3 महीने से बंद है। तो लेट्स सी कि कब खुलता है, फिर आपको ज़ियारत कराएंगे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की। तो राइट नाउ व्यूवर्स, आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी सी कलेक्शन सी शेल्स से बनाई गई है। पुरानी सकाफत है सिंध की और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इसमें, बहुत सारे से गिव अवेज और गिफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं। तो कुछ वॉल क्लॉक्स आपको दिखा रहा हूँ और बड़ी ज़बरदस्त सी रेंज है। एक्चुअली ये एक होल सेल शॉप है इस एरिया में। तो आपको दिखा रहा हूँ सी शेल्स से बनी गई मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, जो कि नॉर्मली जो विज़िटर्स आते हैं इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, कहीं से भी, तो वो इनको ख़रीदना पसंद करते हैं। और यहाँ कुछ आपसे शेयर करता हूँ खूबसूरत से सी शेल्स, इनकी शेप्स यकीन आपको देखने में मज़ा आएगा। ये देखिएगा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सी शेल्स है इस पर। तो मुझे लगता है एक अलग से डिटेल इस पर रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर अलग से डिटेल में एक व्लॉग होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत से स्टोन्स हैं कुछ और सी शेल्स हैं जो कि कराची के समंदर से निकलती हैं। मुख्तलिफ साइज़ हैं ओबियसली। इनके कलर्स आप देखेंगे यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आपको दिखा दो इनका अरेंजमेंट, फिर इनसे बात करेंगे सी शेल्स की क्वालिटीज़ के ऊपर और किस तरह से ये रिकगनाइज करते हैं डिफरेंट सी शेल्स को, उनकी शेप्स के हवाले से और क्या क्या पर्पज़ में यूज़ होती है। ये बहुत खूबसूरत सी वेल डेकोरेटेड शॉप है। अगर आप आते हैं इस एरिए में तो चप्पल ओशन और उसके साथ ही ये गली में ये शॉप है। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ मालाएं हैं, कुछ तस्बीहात हैं, क्लिप्स हैं,
ये सब हाथ से बना हुआ काम है और ये पूरे पाकिस्तान में ये मूव करती हैं चीज़ें यहाँ से, हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स। ये हेयर बैंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ फोटो फ्रेम्स दिखा रहा हूँ आपको। और ये तकरीबन सारा का सारा काम ही ज़ाहिर हाथ से किया जाता है और पूरा ये आप कह लें कि एक तरह की आप प्रमोट करते हैं अपने हैंडीक्राफ्ट को अगर आप इन चीज़ों को ख़रीदते हैं और आगे यूज़ करते हैं। कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, काफ़ी मैनेज शॉप है, काफ़ी तरीके से इसको पैक किया गया, बहुत खूबसूरती से, सफाई से। अगर आप आते हैं इस चप्पल ओशन स्ट्रीट के अंदर तो आपको पहली शॉप मिलेगी है। तो ज्वेलरी बॉक्स है, आप देख रहे हैं डिफरेंट शेल्स से इसको डेकोर किया गया और पूरी आपकी ये होम इंडस्ट्री है समझे एक तरह की सिंह की। यहाँ पे मुझे एक एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है और ऑब्वियसली ये देखने में भी आपको मज़ा आएगा। अभी मैं बात करूँगा यहाँ पे एक साहबजादे हैं, उससे थोड़ा सा ये डिटेल लेंगे कि ये किस तरह सी शेल्स को रिकगनाइज़ करते हैं डिफरेंट शेप्स की और किस तरह उनको नाम दिया जाता है। ये कुछ मिरर्स हैं, और मेरे लिए ये जान के बड़ी मुझे हैरत हुई है कि ये बता रहे हैं कि माशाल्लाह ये हमारा मटेरियल जो है पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी लेकर आता है और इवन दुबई, ईरान और बहुत सी स्टेट्स में यहाँ से होता है, अफ्रीका भी जाता हो जहाँ तक मुझे लगता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कुछ बताएंगे थोड़ा ये किस तरह से आप शनाख्त करते हैं सीपियों की, ये किस किस क्वालिटी की है, फिर क्या क्या बन रहा है, इनमें कहाँ कहाँ जा रहा है ये सामान आपका, आप होल सेल भी करते हैं ज़ाहिर है इसको? जी होल सेल करते हैं इसका और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो है ना हम लोगों की सप्लाई होती है, कस्टमर आते हैं लेके जाते हैं और डिलीवरी भी करते हैं, भेज देते हैं मसलन पेशावर, पंजाब, क्वेटा, बलूचिस्तान, हर जगह पे, और ईरान की भी कुछ पार्टी आती है, ईरान भी जाते हैं। ज़बरदस्त। और इनके जो है ना मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसा अभी ये सामने जो बोरियों में पड़े हुए आपने जो पहले जो जी जी मैंने बताई आपकी दुकान, इसमें जो है ना जैसे खजूरी हो गया, गोर हो गया, शेल्स हो गए और कूड़ी हो गए, रातड़े हो गए, इनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती है ये जो ना। तो फिर इसका हम लोग जो है ना ये पूरा डेकोरेशन करते हैं अलग अलग, मसलन जैसे अभी शीशे बनाए हुए, ये झूमर बनाए हुए, अल्लाह मोहम्मद की जोड़ियाँ बनाई हुई, बिल्कुल कश्तियाँ बनाई हुई इसमें, फिर ये देखो ये टोकरी टाइप के बनाई हुए, लैंप बनाए हुए, तो इसका फिर हम लोग डेकोरेशन करते हैं, ये फ्रेम फोटो फ्रेम बनाए हुए। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली कि जब ये रॉ फॉर्म में इनके पास आ जाती है तो ज़ाहिर है फिर ये इनकी कारीगरी है, ये सोचते हैं उस चीज़ को, और ये बड़ी पुरानी एक सकाफत है सिंध की और स्पेशली ये कारीगर तो बहुत तरह के हमारे मिक्सअप हो गए इसमें, बट इस काम को ज़िंदा रखा हुआ है क्योंकि एक टाइम था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्प्ले होती थी, बट राइट नाउ क्योंकि क्लिफ्टन का एरिया थोड़ा सा सिक्योरिटी के मसाइल हो गए हैं, कुछ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ भी इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो गई हैं कि लोग जो है ना खुल के काम नहीं कर रहे, बट ये शॉप अपने आप में ज़बरदस्त शॉप है और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग कभी भी इस तरीके में आते हैं, ये चप्पल ओशन के साथ में ये गली है छोटी सी, इसमें अगर आप आएंगे तो आपको इनकी होलसेल भी इनकी शॉप मिलेगी आपको और आपका इनका रिटेल शॉप भी मिलेगा और ये पूरी रेंज है इनकी जिसमें ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं।